जरूर मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो आज अभी से नहीं पहले से ही वो कंफ्यूज व्यक्ति हैं, उनकी नीति भी कंफ्यूज है, कांग्रेस की नीति भी है, नीयत भी है, नेतृत्व भी है। नीति, नीयत, नेतृत्व तीनों ही कंफ्यूज है और राहुल गांधी खुद ही अपने आप में कंफ्यूज व्यक्ति हैं। क्यों, कभी वो यह बात करते हैं कि आप हमें चुनाव जिता दो तो हम आलू की फैक्ट्री लगा देंगे, आलू उगाने की फैक्ट्री लगा देंगे। कल ही आपने देखा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी के लड़के पे आरोप लगाया और जब वो थोड़ी देर बाद वो यू टर्न ले लिए, वो कहने नहीं, हमारा वो कहना कहने का मतलब वो नहीं था, हमारे कहने का मतलब कोई और था, कोई और राज्य। इतना कंफ्यूज व्यक्ति जो देशवासियों को कंफ्यूज रखने की कोशिश करता है, और दूसरी सारी मर्यादाओं को लांघना, प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द का उपयोग करना और ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करना, देश के लोगों को मालूम है कि मोदी जी एक फकीर व्यक्ति हैं, उनके पास कुछ नहीं है, जो भी करते हैं सदैव लोगों के लिए ही चिंता करते हैं, गरीब किस प्रकार से खुशहाल, उसके बारे में नारा लगवाना कि प्रधानमंत्री चौकीदार, चोर शब्द का उपयोग करना, यह गरीबों का अपमान है। क्योंकि जो व्यक्ति गरीब है, गरीबों के लिए काम कर रहा है, उसके बारे में ऐसे शब्द कहना वो गरीबों का अपमान है। इस प्रकार